हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करेंगे। सो वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा, एंड इन टुडेज वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस। ठीक है, हम राइजोपस के लाइफ साइकिल आज के वीडियो में पढ़ेंगे। राइजोपस क्या है? बहुत ही कॉमन फंगस है, आप कहीं पे भी किसी भी सब्सट्रेट पे आप इसको इजिली ग्रो करवा सकते हैं। इवन अगर आप एक रोटी लो, उसमें थोड़ा सा पानी छिड़को, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए पॉलिथीन में बांध के रख दो, तो हमें राइजोपस मिल जाएगा इजिली आराम से। ठीक है, तो उसी की लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे जो आप ये इमेज देख रहे हैं, ये वाली एंड ये वाली, ये क्या है? दीज आर दी माइक्रोस्कोपिक इमेज। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इस तरीके से राइजोपस दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या होगा? राइजोपस का कल्चर है ये। अगर पेट्री प्लेट में, कल्चर प्लेट में अगर हम इसको कल्चर करेंगे तो इसका व्हाइट कॉटनी ग्रोथ होती है। अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग कलर के हिसाब से ग्रोथ होंगी। ठीक है, तो ये हमें कॉमनली जो राइजोपस स्टोलोनिफर होता है, तो ये उसका कल्चर है, ये व्हाइट कॉटनी ग्रोथ है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिखा हुआ है कि राइजोपस का स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा। वो ये क्या हो गया? इसका स्पोरेंजियोफोर हो गया, ये उसका स्पोरेंजियम हो गया। ठीक है, ये जूम करके दिखाया हुआ है, इतना वाला पार्ट ये स्पोरेंजियम है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाया हुआ है ये वाला पार्ट जो डार्क कलर से, ये है उसके जाइगो स्पोर। दीज आर जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जाइगोमाइसिट्स फैमिली का। ठीक है, जाइगोमाइसिट्स फैमिली बनाई ही क्यों है? क्योंकि उसमें जाइगोस्पोर्स मिलते हैं। ठीक है, जाइगोमाइसिट्स के मेंबर कौन कौन हो गए? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइजोपस एंड म्यूकर, जो कॉमन एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं वो हो गए राइजोपस और म्यूकर। उनमें हमें जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अभी आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कैसे जाइगोस्पोर बनता है, जाइगोस्पोर क्या होता है, वो सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा क्या कॉमनली जो हम राइजोपस देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस स्लाइड में हम देखेंगे राइजोपस का सिस्टमेटिक पोजीशन और उसके कुछ मेन मेन करेक्टर। ठीक है, सिस्टमेटिक पोजीशन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि किसी भी प्लांट के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिस्टमेटिक पोजीशन को जानिए। ठीक है, उसका किंगडम क्या है, डिविजन क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, फिर उसका जीनस, देन फिर उसके स्पीसीज। ठीक है, तो राइजोपस क्या है? बिलोंग्स टू किंगडम माइकोटा, डिविजन यू माइकोटा, सब डिविजन जाइगोमाइकोटिना, क्लास जाइगोमाइसिट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऑर्डर म्यूकेरियस एंड फैमिली म्यूकेरेसी। ठीक है, अगर राइजोपस का अगर हम बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 50 स्पीसीज। ठीक है, 50 स्पीसीज इसकी हैं अभी तक। और ये क्या है? कॉमनली ये क्या होता है? सेप्रोफाइट होता है, सड़ी गली चीजों पे, ऑर्गेनिक सब्सट्रेट पे क्या करेगा? एज ए सेप्रोफाइट ग्रो करेगा। बट कुछ स्पीसीज इसकी ऐसी भी हैं जो किसकी तरह ग्रो करती हैं? एज अ पैरासाइट की तरह ग्रो करती हैं और डिजीज कॉज करती है प्लांट में। ठीक है, कॉजिंग सॉफ्ट रॉट और स्वीट पोटेटो। ठीक है, एंड लीक डिजीज इन स्ट्रॉबेरी एंड टमेटो। ठीक है, ये आपको याद रखना है पॉइंट कि राइजोपस के कुछ स्पीसीज क्या करती हैं? एज अ पैरासाइट भी ग्रो करती है। राइजोपस स्टोलोनिफर क्या करता है, जिसको हम कॉमनली ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, वो क्या करता है? एज अ पैरासाइट भी ग्रो करता है और स्वीट पोटैटो में सॉफ्ट रॉट डिजीज कॉज करता है और लीक डिजीज कॉज करता है किसमें? स्ट्रॉबेरी एंड टोमेटो में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर जिसका है ये जो अभी चल रहा है। ठीक है, स्पीसीज ऑफ राइजोपस आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग म्यूकर माइकोसिस। ये तभी मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपको दिखाने के लिए कि इसकी स्पीसीज क्या करती है, म्यूकर माइकोसिस डिजीज कॉज करती है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड रिकवरी में हमें अगर कोविड रिकवर्ड पेशेंट है उसमें म्यूकर माइकोसिस के कितने केसेस देखने को मिल रहे हैं इंडिया में, तबाही मची हुई है पूरी। तो वो उसके पीछे किसका हाथ है? म्यूकर माइकोसिस कर कौन सी फंगस रही है? एक हो गया म्यूकर, ठीक है, म्यूकर प्लस राइजोपस, ये दोनों ने क्या किया है? म्यूकर माइकोसिस कर रहे हैं, इन दोनों का हाथ है, दोनों भाई भाइयों का हाथ है किसमें? म्यूकर माइकोसिस को करवाने में। ठीक है, सेवरल स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बीमारी ही कर रहे हैं या फिर सिर्फ सड़ी गली चीजों में सड़ी गली चीजों को सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं या फिर कोई बीमारी कर रहे हैं, इंसानों में हो या फिर प्लांट्स में हो, ये हमारे इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ अच्छे काम भी कर लेते हैं ये। तो इंडस्ट्री में किसके लिए यूज होते हैं ये? राइजोपस स्टोलोनिफर क्या करता है? फ्यूमेरिक एसिड को बनाने में हेल्प करता है, फ्यूमेरिक एसिड बनाने में इसका रोल है। ठीक है, राइजोपस ओराइजी का भी रोल है फर्मेंटेशन में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में राइजोपस ओराइजी का रोल देखते हैं हम, और राइजोपस नोडूसस का रोल हम देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जो ये रोल प्ले करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने में जो ये रोल प्ले करते हैं वो है। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट करेक्टर है यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यानी कि ये दिखता कैसे है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो माइसीलियम है वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको कि इसका माइसीलियम जो होता है वो सिनोसिटिक होगा और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होगा, ये तो सभी को पता है। ठीक हो गया, बट इसका जो हाइफी होता है, हाइफी मिलकर के माइसीलियम जो बनाता है
जो हाइफी होगा वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। हमें याद रखना है कि इसका हाइफी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला हो गया स्टोलन्स, दूसरा हो गया राइजोइड्स, तीसरा हो गया स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको सेपरेटली, ये क्या है, हमारा माइक्रोस्कोपिक इमेज है राइजोपस राइजोपस की, ठीक है। इसमें ये वाला ऊपर वाला पार्ट क्या है, हमारा स्पोरेंजियम है, दिस इज स्पोरेंजियम, ठीक है, जिसमें किसका डेवलपमेंट होगा, स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है स्पोरेंजियो फोर, ये क्या है, स्पोरेंजियो फोर, ठीक है, स्पोरेंजियो फोर नॉट नहीं होगा, स्पोरेंजियो फोर। और ये क्या है नीचे वाले, ये जो हमें दिख रहा है ये हो गया राइजोइड, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, राइजोइड्स होंगे। और ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है, स्टोलन, ठीक है। पहला स्पोरेंजियो फोर, दूसरा स्टोलन, तीसरा हो गया राइजोइड्स। राइजोइड का काम क्या होगा, राइजोइड सबस्ट्रेट के नीचे प्रेजेंट होगा और उसका काम क्या होगा, न्यूट्रिशन को और वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने, राइजोइड्स आर रिपीटेडली ब्रांच्ड हाइफी व्हिच पेनिट्रेट द सबस्ट्रेटम एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड नरिशमेंट फ्रॉम इट। वो सबस्ट्रेट के नीचे जाएंगे और वहां से वाटर का और नरिशमेंट का जो भी चीज उसको चाहिए ग्रो करने के लिए उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे। फिर आता है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर क्या होता है, इरेक्ट पार्ट होता है, ये इरेक्ट पार्ट होगा, एरियल पार्ट होगा, जो हमें दिखेगा, जो हवा में होगा पार्ट, ठीक है। अगर हम लेंस लगा के देखे, हैंड लेंस से भी देखे, तो हमें इजिली ये दिख जाएगा, ठीक है। स्पोरेंजियोफोर ये क्या होगा, एरियल पार्ट होगा, ठीक है, और जस्ट अपोजिट टू राइजोइड, राइजोइड के अपोजिट ग्रो करेगा। राइजोइड नीचे को ग्रो करता है और ये ऊपर को ग्रो करेगा, ठीक है, एरियल पार्ट। फिर आता है हमारा स्टोलन। स्टोलन क्या करता है, दो हाइफी को ज्वाइन करता है। स्टोलन आर दोज हाइफी व्हिच ग्रो हॉरिजॉन्टली अबव द सबस्ट्रेटम, जो सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो करेगा, और दो राइजोपस की जो दो अलग अलग स्पोरो स्पोरेंजियोफोर होंगे उनको क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। ये दूसरा स्पोरेंजियोफोर हो गया, ये किससे ज्वाइन होगा, थ्रू स्टोलन, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये वाले डायग्राम में, ये तो क्या हो गया इसका, स्पोरेंजियम हो गया, और इसमें क्या लगे हैं, ये स्पोर्स लगे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो गया इसका, स्पोरेंजियो फोर हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, स्पोरेंजियो फोर। ये वाला पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ हाइफी लिखा है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा स्टोलन, ये क्या हो गया, स्टोलन हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया नीचे, राइजोइड्स, ठीक है। आई होप आपको इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो स्पोरेंजियम होता है, ये टर्मिनली सिचुएटेड होगा, जिसमें स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, जो जिसका फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, जो ठीक है रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करेगा। अब हम देख लेते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन इसमें कितने टाइप का होता है, तो जनरली तीन टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें देखा गया है। पहला है वेजिटेटिव, फिर है एसेक्सुअल, फिर है सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि किसके थ्रू टेक प्लेस करेगा, ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू टेक प्लेस करेगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन यानी कि कोई पार्ट, स्टोलन वाला पार्ट अगर ब्रेक हो गया है किसी भी स्विचेबल सबस्ट्रेटम में पड़ेगा, तो वहां पर से क्या होगा, न्यू माइसीलियम का जर्मिनेशन होगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन तो सिंपल सा है, ठीक है, कोई चीज में समझने की बात नहीं है। फिर अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें दो तरीके से टेक पार्ट करता है, पहला हो गया कि ए प्लैनोस्पोर और दूसरा हो गया क्लैमाइडोस्पोर। ए प्लैनोस्पोर्स के थ्रू कैसे करता है, वो सबसे कॉमन मेथड है, ठीक है। ये जो साइकिल आपको यहाँ पे दिख रही है, ये ए प्लैनोस्पोर के लिए। पहले हम क्लैमाइडोस्पोर को समझ लेते हैं, वो सिंपल सा है। क्लैमाइडोस्पोर में क्या होगा, जो हाइफी होगा, ठीक है, फंगस का, ये आप हाइफी देख रहे हैं, ये किसी कहीं कहीं पे क्या करेगा, थिक कवरिंग बना लेगा। आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे इसने क्या बना लिया, ये थिक कवरिंग बना ली है। ये यहाँ पे आपको थिक कवरिंग दिख रही है, बट यहाँ पे कवरिंग नहीं दिख रही है। तो ये किसी किसी जगह पे क्या बना लेता है, थिक कवरिंग बना लेता है, और जो माइसीलियम का जो अंदर का कंटेंट होता है उसको क्या कर लेता है, वहां पे ज्यादा ज्यादा वो क्या होता है, माइसीलियम जितना भी अंदर का कंटेंट है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, क्लैमाइडो स्पोर, ठीक है। दीज आर क्लैमाइडो स्पोर्स, ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं ए प्लैनोस्पोर। ए प्लैनोस्पोर बहुत ही कॉमन टाइप का है, ठीक है। ए प्लैनोस्पोर में हम क्या देखेंगे, ए प्लैनोस्पोर में जब रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है, उसमें सबसे पहले क्या होगा, ये क्या होगा हमारा, ये राइजोपस का जो भी है, ये फंगस का पार्ट है, इसकी जो हाइफी होगी, ठीक है, ये वाला हाइफी, जो भी हाइफी, ये हाइफी होगा जहां पे भी इससे भी रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगा, वो पार्ट क्या हो जाएगा, वो इसका पार्ट क्या होने लग जाएगा, स्वेलअप होने लग जाएगा, ठीक है। उसकी टिप क्या होने लग जाएगी, स्वेलन होने लग जाएगी, स्वेलअप होगी, और धीरे धीरे क्या होती जाएगी, स्वेलअप होती जाएगी, और जितना भी यहाँ पे का कंटेंट है वो सब ऊपर को जाता रहेगा, ठीक। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि यहाँ पे टिप तो पूरी ग्लोबुलर हो गई है, स्वेलन हो गई है, और बाहर की तरफ को, ठीक है, ये स्वेलन पार्ट की जो, जब स्पोरेंजियम का जब डेवलपमेंट होता है, तो उसके ये बाहर वाले पार्ट में क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड
यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूल का डेवलपमेंट होने लग जाएगा, ठीक है, वैक्यूल्स का डेवलपमेंट होने लग जाएगा। तो इस वाले पार्ट को आप यहाँ पे साफ से देख सकते हैं कि ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, वैक्यूल हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है हमें, और ये वाले पार्ट में हमें क्या दिख रहा है, मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इस वाले पार्ट को जहाँ पे वैक्यूल्स का डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम बोलते हैं कॉलुमेला, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलुमेला, ये लिखा है यहाँ पे कॉलुमेला, ठीक है। और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो डार्क कलर का जो पार्ट है, ये बनाएगा हमारा क्या, स्पोरेंजियम, इट विल फॉर्म स्पोरेंजियम, ठीक है। ये किसके तरह बिहेव करेगा, स्पोरेंजियम की तरह, जिसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। ये यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, स्पोरेंजियम हो गया, यहाँ पे स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है ये, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, कॉलुमेला हो गया, ठीक। फिर जब इसमें प्रेशर पड़ेगा या फिर कोई इंसेक्ट हो के थ्रू या फिर विंड के थ्रू, एयर के थ्रू, ये क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगी, ये सेल बर्स्ट आउट हो जाएगी और स्पोर्स क्या हो जाएंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे एनवायरमेंट में, ठीक है। और कभी कभी ये देखा गया है कि जो कुछ स्पोर्ट्स जो कॉलुमेला से अटैच रहते हैं वो इसी से ही अटैच रह जाते हैं, वो नहीं एयर के प्रेशर से या फिर किसी भी चीज के थ्रू रिलीज नहीं हो पाता, इनको क्या देना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा प्रेशर या फिर इंसेक्ट अगर इसके ऊपर आके बैठेगा तो ही वो क्या होंगे, बाहर एनवायरमेंट में रिलीज हो पाते हैं, ठीक है। अब जो स्पोर एनवायरमेंट में रिलीज हो चुके हैं, कि अगर उनको कोई प्रॉपर सबस्ट्रेटम मिलता है तो वो क्या करेंगे, जर्म ट्यूब का डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, जर्म ट्यूब बनाएंगे, और उसके थ्रू फिर जर्म ट्यूब के बाद हाइफी, हाइफी के बाद माइसीलियम, उसके बाद एक कंप्लीट पार्ट बना लेंगे अपना। तो ये तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसके थ्रू टेक प्लेस करता है, एप्लैनोस्पोर्स के थ्रू जब टेक प्लेस करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सभी को पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब टेक प्लेस करता है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेवरेबल कंडीशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। अब हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात कर लें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, गैमेट एंजल कॉपुलेशन के थ्रू टेक प्लेस करता है। गैमेट एंजल कॉपुलेशन के थ्रू मतलब यहाँ पे पहले क्या होगा, प्रो गैमेट एंजल का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमेट एंजियल बनेंगे, फिर जाइगोस्पोर बनेगा, जाइगोस्पोरेंजियम 4 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जाइगोस्पोरेंजियम 4 बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा उसमें, फिर स्पोर रिलीज होंगे और फिर वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। यहाँ पे मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ कि ये क्या होगा, हमारा प्रोगैमेट एंजियम है, डिफरेंट सब स्ट्रेन का, अलग अलग स्ट्रेन का, ठीक है। ये एक स्ट्रेन हो गया और ये दूसरा स्ट्रेन हो गया, ठीक। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा गैमेट एंजियम का फॉर्मेशन, ये प्लस स्ट्रेन, ये माइनस स्ट्रेन, ये क्या है, प्रो गैमेट एंजिया है, दिस इज प्रो गैमेट एंजिया, ठीक है। और ये क्या है, गैमेट एंजियम, डिफरेंस क्या है दोनों में, ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है, ये इन फ्यूचर जाकर के किसमें कन्वर्ट होंगे, गैमेट एंजियम में कन्वर्ट होंगे। फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो, फिर अब हमें देखने को मिलेगा जाइगोस्पोर, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फैमिली का, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ये क्या है हमारा, जाइगोस्पोर, यही इसका करेक्टर फीचर है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें, जाइगोस्पोर। अब ये जाइगोस्पोर क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, जाइगोस्पोर डेवलप होगा, ये यहाँ पे प्लस स्ट्रेन का हाइफी हो गया और ये यहाँ पे सॉरी ये प्लस स्ट्रेन है और ये माइनस स्ट्रेन है, ठीक है। ये जाइगोस्पोर क्या करेगा, फिर ये वाला यहाँ पे अलग से बना दे रही हूँ मैं, ये जाइगोस्पोर हो गया और ये जाइगोस्पोर किसका डेवलपमेंट करेगा, जाइगोस्पोरेंजियोफोर का, ये किसका डेवलपमेंट करेगा, यानी कि जाइगोस्पोरेंजियोफोर का मतलब हो गया ये वाला पार्ट, वेट, यहां से ये किसका डेवलपमेंट करेगा, जाइगोस्पोरेंजियोफोर का, ठीक है। जैसे हमने वहां देखा था स्पोरेंजियोफोर बन रहा था, ठीक है, हमने एसेक्सुअल साइकिल में देखा था वहां पे क्या बन रहा था, स्पोरेंजियोफोर का डेवलपमेंट हो रहा था। अब यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर किस में से डेवलप हो रहा है, जाइगोस्पोर में से डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये है जाइगोस्पोर। अब जाइगोस्पोर में से किसका डेवलपमेंट हो रहा है, स्पोरेंजियोफोर का डेवलपमेंट हो रहा है, ये क्या है, स्पोरेंजियोफोर का डेवलपमेंट, स्पोरेंजियोफोर का डेवलपमेंट किसके थ्रू हो रहा है, जाइगोस्पोर में से हो रहा है, तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, जाइगोस्पोरेंजियोफोर, क्या बोल दिया इसको हमने, जाइगोस्पोरेंजियोफोर। अब इसमें क्या बनेंगे, यहाँ पे ये स्पोरेंजियम हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, स्पोरेंजियम हो गया, और इसमें किसका डेवलपमेंट होगा, स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, यहाँ से क्या निकलेंगे, स्पोर्स निकलेंगे, और स्पोर्स जैसे ही एनवायरनमेंट में रिलीज होंगे, फिर अगर वो किसी सबस्टेटम में पड़ेंगे
यहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेटम होगा, किसी भी पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम में पड़ेंगे जहाँ उसको सब चीज मिल रहा है, ह्यूमिडिटी मिली है, मॉइस्चर मिला है, नरिशमेंट मिला है, तो वहां से वो क्या करेंगे अपना न्यू जर्म ट्यूब का जर्मिनेशन करेंगे और न्यू प्लांट का फॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जर्म ट्यूब की हेल्प से जर्मिनेट कर जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया कि क्या है सेक्सुअल साइकिल में? सिंपल सा यही है कि पहले क्या होगा, प्रोगैमेट एंजियल का फॉर्मेशन होगा, देन गैमेट एंजियम का फॉर्मेशन होगा, जाइगोस्पोर बनेगा, जाइगोस्पोर बनने के बाद क्या बनेगा, जाइगोस्पोरेंजियो फोर का डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा, जाइगोस्पोरेंजियम का, जाइगोस्पोरेंजियो फोर का डेवलपमेंट होगा, और उसपे जाइगोस्पोरेंजियम फोर के अंदर क्या बनेंगे, हमारे स्पोर्स बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेंगे, ये स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स बनने की जो प्रोसेस होगी वो कैसे टेक प्लेस करेगी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शनल डिविजन होगा, रिडक्शनल डिविजन। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शनल डिविजन टेक प्लेस करेगा, और उसके बाद जो होंगे डिप्लॉय, ये तो जाइगोस्पोर क्या था हमारा, 2n था, डिप्लॉयड था। अब रिडक्शनल डिविजन होगा तो जो स्पोर बने होंगे ये क्या होंगे, n नंबर ऑफ होंगे। ठीक है, इनमें जो हैप्लॉइड होंगे ये स्पोर n बढ़े, ठीक है, n नंबर ऑफ स्पोर बने, n जो भी स्पोर होगा उनका वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और फिर वो अगर किसी सबस्ट्रेटम में पड़ते हैं तो वो क्या करेंगे, जर्म ट्यूब बनाएंगे, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अपना माइसिलियम की ग्रोथ करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।